हाँ हेलो बच्चों, आज हम सीरीज फोर का डिटेल्स देखेंगे। सीरीज फोर में जो हम लोग पढ़े थे इक्विवेलेंट वेट हम लोग डील कर रहे थे, है ना। तीन चार क्लास जो हमारा सीरीज फोर का इक्विवेलेंट वेट डील हुआ। अब इक्विवेलेंट वेट जो हम लोग पढ़े थे सीरीज फोर में, नॉर्मल एंड नॉर्मलिटी का ही ये पार्ट था सीरीज फोर का इक्विवेलेंट वेट। आज हम लोग देखेंगे नॉर्मल सॉल्यूशन एंड नॉर्मलिटी के बारे में, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये नॉर्मल सॉल्यूशन एंड नॉर्मलिटी जैसे हम लोग सीरीज थ्री में मोलर सॉल्यूशन और मोलैरिटी पढ़े थे, अब सीरीज फोर में नॉर्मल सॉल्यूशन और नॉर्मलिटी देखेंगे। इसमें एक टर्म आया था इक्विवेलेंट वेट, उसको हमने सारा डील करा है, उस पर न्यूमेरिकल देखे, टाइप वन, टाइप टू, टाइप थ्री। अब उसका एप्लीकेशन जो है नॉर्मल सॉल्यूशन और नॉर्मलिटी में क्या रहेगा, साथ ही साथ इसका एप्लीकेशन सीरीज थ्री में जो मोलर सॉल्यूशन और मोलरिटी है उसमें भी है। हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसको देखते हैं। देखो ये नॉर्मल सॉल्यूशन है, ये नॉर्मल सॉल्यूशन, और एक साइड नॉर्मलिटी ले लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट इसका है, इसका सिंबल क्या है, तो दोनों को डिनोट एन से करेंगे, दोनों को एन से डिनोट करेंगे। स्टैंडर्ड वॉल्यूम, इसका जो वॉल्यूम होगा 1 लीटर और 1000 मिलीलीटर दोनों का ही। स्टैंडर्ड वॉल्यूम जो है 1 लीटर, ये मोलर सॉल्यूशन और मोलरिटी में बता चुके हैं कि सॉल्यूशन का स्टैंडर्ड वॉल्यूम जो है 1 लीटर या 1000 मिलीलीटर होगा, ठीक है। अब है अमाउंट ऑफ सोल्यूट, तो यहां अमाउंट ऑफ सोल्यूट मोलर सॉल्यूशन में अमाउंट ऑफ सोल्यूट 1 मोल था, और मोलरिटी में अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो था नंबर ऑफ मोल्स था। अब यहां पे अमाउंट ऑफ जो सोल्यूट है, ये अमाउंट ऑफ सोल्यूट ये जो होगा अमाउंट ऑफ सोल्यूट 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट है। और यहां पे अमाउंट ऑफ सोल्यूट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं NaBB फॉर सोल्यूट, इसको क्या पढ़े थे रीडर्स, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है इसमें अमाउंट ऑफ सोल्यूट। और 1 इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या पढ़े थे, 1 इक्विवेलेंट बराबर था इक्विवेलेंट वेट। वन इक्विवेलेंट को रिप्रेजेंट कर रहे थे किससे, इक्विवेलेंट वेट से, और इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या पड़े, मोलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। और यहां पे
नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बराबर क्या पढ़े थे, एनी इक्वल टू बी फॉर सोल्यूट है, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट बी फॉर सोल्यूट है। शुरू से हम बी को लेके चल रहे हैं, एब्रिविएशन सोल्यूट लेके चल रहे हैं। अब इक्विवेलेंट वेट, ये इक्विवेलेंट वेट जो आपका है जिसको ई से इंडिकेट किया है यहां पे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट ये है आपका, ए यहां पर वैल्यू पुट कर दोगे तो वेट ऑफ बी मोलर मास ऑफ बी इंटू वैलेंसी फैक्टर। अब जो होगा वेट ऑफ बी और मोलर मास ऑफ बी, ये जो होगा क्या कहलाएगा, मोलर मास ऑफ बी ये ए क्या कहलाएगा, मोल, और ये हम लोग पढ़ चुके हैं वैलेंसी फैक्टर। फिर से एक बार देख लो, नॉर्मल सॉल्यूशन या नॉर्मलिटी दोनों को एन से इंडिकेट करेंगे। वॉल्यूम कितना होगा, 1 लीटर और 1000 मिलीलीटर दोनों में ही। अमाउंट ऑफ सोल्यूट नॉर्मल सॉल्यूशन में 1 ग्राम इक्विवेलेंट और 1 ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होगा, इसको इंडिकेट करेंगे ईबी से बी फॉर सोल्यूट। और जो है ये इक्विवेलेंट वेट कहलाया है, और इक्विवेलेंट वेट बराबर हम लोग पढ़ चुके हैं मोलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। यहां जो 1 लीटर में अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट होगा, वो जो अमाउंट ऑफ सोल्यूट होगा इसको बोलेंगे एनईबी, और एनईबी को हम लोग क्या पढ़े हुए हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट देखेंगे, और वेट ऑफ सोल्यूट मोलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू वैलेंसी फैक्टर, वेट अपॉन मोलर मास क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल, और वीएफ क्या हो जाएगा, वैलेंसी फैक्टर। सारा डिटेल हम लोग जो है इक्विवेलेंट वेट में पढ़े हुए हैं। अब देखो यहां से ही यही डेफिनेशन है, ये दोनों मिला दो यही डेफिनेशन तैयार हो गया। तो डेफिनेशन जब लिखने का मन हो तो क्या बोलेंगे हम, कि इसी को रिप्रेजेंट अगर किया जाए, वॉल्यूम कितना लेना है, वॉल्यूम 1 लीटर v इक्वल टू 1 लीटर और 1000 मिलीलीटर। रे बेटा इधर देखो बोर्ड पे, वन लीटर और 1000 मिलीलीटर सॉल्यूशन। अब जो है यहां पे क्या सॉल्यूट डिजॉल्व रहेगा, सॉल्यूशन है तो इसके अंदर सॉल्यूट प्रेजेंट है, जब सॉल्यूट इसके अंदर प्रेजेंट है तो क्या है, यही है 1 ग्राम इक्विवेलेंट। सॉल्यूट क्या है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट, यही इसके अंदर है, यही इसका डेफिनेशन है। इसको रिप्रेजेंट करेंगे 1N सॉल्यूशन, इसका रिप्रेजेंटेशन है 1N सॉल्यूशन। अब यहां पे क्या बोल रहे, ये डेफिनेशन हो गया, व्हेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर और 1000 मिलीलीटर इज कॉल्ड नॉर्मल सॉल्यूशन। अब यहां डेफिनेशन है, ये हम वेसल बना दिए, ये देखो यहां पे एक वेसल बन गया, इस वेसल में वॉल्यूम जो है 1 लीटर और 1000 मिलीलीटर सॉल्यूशन है। ठीक है, जैसे यहां सॉल्यूट है तो यहां सॉल्यूट कितना होगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, यहां पर क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्विंग 1 लीटर और 1000 मिलीलीटर इज कॉल्ड नॉर्मलिटी,
इज दैट क्लियर? क्लियर? चलो आगे देखो। अब इसका रिप्रेजेंटेशन है, जैसे वन था यहां पे, उसी तरह से यहां पे सोल्यूट कितना है, इसका रिप्रेजेंटेशन एन ई, ठीक है, ये डेफिनेशन है, इसको इंडिकेट करेंगे एन ई नॉर्मल, एनी नॉर्मल सोल्यूशन, ठीक है, एनी नॉर्मल सोल्यूशन, पॉज करके नोट करते चलना, है ना, क्या कि नोट्स बनाते जाओगे तो मजा भी आएगा, गर्मी सबके लिए है, मेरे लिए भी, तुम्हारे लिए, देखो सारा शरीर जो भींगा हुआ है ना, सभी के लिए गर्मी है, बच्चे यहां क्लास में हैं, कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, इसको नोट करना। अब इसका डेफिनेशन जो हो जाएगा, प्लस टू में पूछता है इसका डेफिनेशन, तो डेफिनेशन क्या बोलोगे? हाँ, फर्स्ट बेंच, फर्स्ट बेंच, चलिए दांत नहीं फोड़ दिए, बहुत अच्छा है ना, पेप्सोडेंट जो है, क्लोजअप जो है, दांत अच्छा कर दिए, वेरी गुड, बहुत अच्छा टीथ लग रहा है, शाबाश। आगे देखो क्या डेफिनेशन, व्हेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व, डिसॉल्व इन 1 लीटर और 1000 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड, इज कॉल्ड नॉर्मल सॉल्यूशन। हाँ, एक बच्चा कह रहा कि सर अब बहुत संतुष्टि लग रहा, डेफिनेशन नहीं पढ़ रहे थे तो मन जो थोड़ा सा कुछ कुछ हो रहा था, नॉर्मल सॉल्यूशन कुछ कुछ नहीं होना है, नोट कर रहा है, ठीक है, यही आपका जो डेफिनेशन है, ये सॉल्यूशन बना दीजिए, रेड ब्लू ब्लैक पेन लेके सुंदर से, बच्चों का आदत है नोट्स बनाना है, ऊपर में लिखेगा जय मां सरस्वती, अब उसके बाद जो है बच्चा नोट्स बना लेगा और खुश हो जाएगा, नोट्स मेरा तैयार, अरे यार पढ़ना भी है, जय मां सरस्वती लिखना जरूर है लेकिन पढ़ना भी है, आगे हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। अब यहां पर डेफिनेशन क्या है, व्हेन नंबर ऑफ, व्हेन नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, व्हेन नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व, डिसॉल्व इन 1 लीटर और 1000 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मलिटी। चलिए अब खुश है, डेफिनेशन मिल गया, खुश है, चलो जय माता दी, नोट कर लो इसको। अब आगे देखो फॉर्मूला ऑफ नॉर्मलिटी कैसे डेराइव करेंगे, बोलेंगे सिंस वी मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन, वी मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स एन ई ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, देन इन 1 मिलीलीटर एन ई डिवाइडेड बाय वॉल्यूम 1 मिलीलीटर। अब जो है हम लोग का स्टैंडर्ड वॉल्यूम क्या है, जब भी मेजरमेंट करेंगे नॉर्मल सॉल्यूशन या नॉर्मलिटी को तो 1000 मिलीलीटर या 1 लीटर में, तो 1 लीटर में कितना होगा, यहां पे एन ई क्रॉस 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन मिलीलीटर,
दैट इज एन इक्वल टू एन ई नंबर ऑफ इक्विवेलेंट किसका है ये, तो बी लगा दिए सोल्यूट, या बी लगा सकते हो बी फॉर सोल्यूट, याद रखना है हमेशा, इंटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन मिलीलीटर। अब देखो हम लोग पढ़े हुए हैं कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट, अभी तुरंत पढ़े हैं, इंटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन मिलीलीटर। अब इक्विवेलेंट वेट बराबर हम लोग का क्या पढ़ा हुआ है, देखो इक्विवेलेंट वेट बराबर हम लोग का क्या पढ़ा हुआ है, मोलर मास इन डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर, मोलर मास डिवाइडेड बाय क्या है, वैलेंसी फैक्टर। अब यहां पे ईवी की जगह पे हम लोग पुट करेंगे वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू 1000 मोलर मास ऑफ सोल्यूट है, बी लगा दो, मोलर मास ऑफ सोल्यूट हो गया, इंटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन मिलीलीटर क्रॉस वैलेंसी फैक्टर। अब याद करो ये जो फॉर्मूला है इतना किसके फॉर्मूला के बराबर है, जल्दी बोलो, याद करो कहां पर पढ़े थे, ये फॉर्मूला क्या हो गया, मॉलरिटी, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मॉलरिटी, एम क्रॉस क्या हो जाएगा, वैलेंसी फैक्टर। बस इसी पे मेन जो है हम लोग को फोकस करना है, ठीक है, ये जो है हम लोग का फोकस करने वाला पॉइंट है मेन। अब इसी पे न्यूमेरिकल्स, अब हम लोग जो है न्यूमेरिकल करके इसको देखेंगे। एक चीज और है, इस इक्वेशन को 1 मान लो तो हम लोग कह सकते हैं फ्रॉम वन वॉल्यूम को क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे, फ्रॉम वन अगर बोले तो क्या हो जाएगा, नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट इंटू 1000, ये हो गया। और इसी को यहां पे बोलोगे क्या, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट क्रॉस 1000, मतलब इसी फॉर्मूले को और आगे प्रोसीड किए। और यहां पे ये फॉर्मूला जो है आपका क्या हो सकता है, ये जो फॉर्मूला है यही कहलाएगा मिली इक्विवेलेंट, ये फॉर्मूला है मिली इक्विवेलेंट का ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है, इसको भी हम लोग नोट कर लेंगे, इस पर न्यूमेरिकल बनेगा, ठीक है। अब देखो नॉर्मलिटी पे न्यूमेरिकल, सर न्यूमेरिकल आप दे रहे हैं, मन कैसा कैसा तो सर हो रहा है, सर क्या करे, सर आप न्यूमेरिकल के पीछे पड़े हुए हैं, सतुआ पानी लेके पड़े हुए। अच्छा देखो यार, देखो अल्लाह नहीं करो, न्यूमेरिकल देखो, ये सारा का सारा जो है एमसीक्यू क्वेश्चन है, और कॉम्पिटिशन में इस तरह का क्वेश्चन जो है एकदम नेसेसरी है देना। इसमें देख लो ये क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये और ये क्वेश्चन, इसके बाद जो है दो ही फॉर्मूला लगाने हैं सारे में, मैक्सिमम नॉर्मलिटी के टाइप वन में जो है यही दोनों फॉर्मूला लगे। सर आप टाइप लेके वन आ गए, इसका मतलब जरूर सर टाइप टू टाइप थ्री जरूर हो गए, ठीक है, स्माइल पेप्सोडेंट क्लोजअप स्माइल करो। Look here.
द मिली इक्विवेलेंट ऑफ 60 मिलीलीटर ऑफ 4.0 मोलर H2SO4। ये देखो यही फॉर्मूला हमारा क्या है, मिली इक्विवेलेंट है, याद है तुरंत पढ़ाए हैं, मिली इक्विवेलेंट है ये, इसी से निकलेगा। क्या होगा एमसीक्यू जल्दी, 1 2 3 चलो, एनवी निकालना है तो मिली इक्विवेलेंट निकालने के लिए एनवी चाहिए, ठीक है, एन और वी मिली इक्विवेलेंट मांग रहा, मिली इक्विवेलेंट एन क्रॉस वी निकालना है, नॉर्मलिटी के वॉल्यूम क्या जाएगा मिलीलीटर में, नॉर्मलिटी की जगह क्या पुट करोगे, मोलरिटी क्रॉस वैलेंसी फैक्टर क्रॉस वॉल्यूम इन मिलीलीटर, क्या होगा मोलरिटी, ये एन जो दिया है, एन जो है आपका ये मोलरिटी है, एन को यहां पुट करो और H2SO4 का वैलेंसी फैक्टर कितना बताए थे, H2SO4 का वैलेंसी फैक्टर ये प्लस है ये माइनस टू है, यही वैलेंसी फैक्टर है, टू टाइम्स है वैलेंसी फैक्टर ऑफ H2SO4 टू को वन से मल्टीप्लाई करो, है ना, और या इससे निकालोगे ये वन है, वन को टू से मल्टीप्लाई करो, केवल मैग्नीट्यूड याद करो, हम इक्विवेलेंट वेट में वैलेंसी फैक्टर पर जरूर पढ़ाए हैं और उसको लर्न करो, अभी से कोई यहां से अगर कोई बच्चा देखेगा उसको वैलेंसी फैक्टर नहीं समझ में आएगा, इसलिए कहते हैं बेटा स्टेप बाय स्टेप सीरीज 1 सीरीज 2 सीरीज 3 सीरीज 4 को देखोगे तभी समझ में आएगा, है ना, समय जो है इस समय आपके पास बहुत, दिन भर आप घर में रह रहे हो, चलो यहां पुट करो 4 क्रॉस वैलेंसी फैक्टर कितना होगा 2 और कितना है वॉल्यूम इसका 60, कितना हो जाएगा 6 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 48 0, आंसर बी, नोट कर लो जल्दी से, मेन वैलेंसी फैक्टर का खेल है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 पॉज करके नोट करो, क्वेश्चन नंबर 2 नॉर्मलिटी ऑफ 2 मोलर H2SO4 क्या होगा, देख के बता सकते हो वैलेंसी फैक्टर कितना H2SO4 का, क्वेश्चन नंबर 2 नॉर्मलिटी निकालना है, मोलरिटी फर्स्ट फॉर्मूला मोलरिटी गुने वैलेंसी फैक्टर, ठीक है, मोलरिटी को मल्टीप्लाई करो वैलेंसी फैक्टर से, मोलरिटी कितना दिया है 2, वैलेंसी फैक्टर H2SO4 का कितना होगा 2, आंसर कितना हुआ 4, आंसर क्या, ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप से ये। क्वेश्चन नंबर 3 पॉज करके नोट करते चलना है, रोना नहीं है, न्यूमेरिकल सीखो, हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल, अभी तक तो नहीं सीखे लेकिन अब सीखो, थ्योरी पढ़ पढ़ के जो है मोटे हो गए हो। नॉर्मलिटी, थर्ड नंबर क्वेश्चन, नॉर्मलिटी ऑफ H3PO4, नॉर्मलिटी क्या हो जाएगा, मोलरिटी क्रॉस वैलेंसी फैक्टर, मोलरिटी कितना दिया है इस कंपाउंड का 1, याद करो वैलेंसी फैक्टर जो हम पढ़ाए थे इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड का, H3PO4 3 का केस था, एक ये पढ़ाए थे और एक ये पढ़ाए थे, ठीक है, H3PO4 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, इसी को वैलेंसी फैक्टर कितना है 3, क्या होगा आंसर 3, आंसर इसका डी है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, अब देखो नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी निकालना है, मोलरिटी क्रॉस वैलेंसी फैक्टर हाउ मच, कौन होगा ABCD, जल्दी जल्दी बोलो जल्दी, यहां पे देखो 3 है मोलरिटी, 0.3 इसका वैलेंसी फैक्टर 3, आंसर कितना हो गया 0.9, सी गलत है, गलत आंसर है, इसका वैलेंसी फैक्टर कितना है 2, एक्सेप्शनल केस से पढ़ाया हुआ है, देखो वैलेंसी फैक्टर में देखो इसके इक्विवेलेंट वेट के सीरीज में पढ़ाया हुआ है, फर्स्ट लेक्चर में है इसके, इसका वैलेंसी फैक्टर जो है H3PO4 का वैलेंसी फैक्टर जो है इसका 1 है, यहां पे सॉरी
टू एज का वैलेंसी फैक्टर यहां टू पुट करोगे आंसर क्या होगा 0.6। तो 0.6 आंसर इसका क्या हो जाएगा बी। बच्चा देखा यहां पर यहां से टू निकल रहा है, यहां से थ्री निकलेगा तो यहां भी थ्री निकलेगा। अब जो है क्वेश्चन नंबर फाइव, अब जरा सा बताओ क्वेश्चन नंबर फाइव उसी से बनेगा जिस बच्चे को वैलेंसी फैक्टर आता। एक बार आप लोग वैलेंसी फैक्टर को रिकैप करके फिर से देखो, है ना। आई होप आपको सारा का सारा समझ में आ जाएगा वैलेंसी फैक्टर कैसे निकलता है, सारा एक्सप्लेनेशन वहां पे दिया है। अब यहां पे नॉर्मलिटी क्वेश्चन नंबर फाइव पे चलेंगे। नॉर्मलिटी गिवन है 0.02 क्रॉस वैलेंसी फैक्टर H3PO4 का, जल्दी से बोलो वैलेंसी टू का H3PO2 का वैलेंसी फैक्टर कितना होगा 1। यहां पे 1 पुट करोगे 0.02 जस्ट का तस हो जाएगा और क्या हो जाएगा ए। बहुत बच्चा सोचेगा इसका वैलेंसी फैक्टर 0.02 है और यहां पे 3 हाइड्रोजन है तो 3 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.06। ये भी आंसर सी। बच्चे जो है सीख है, मां कसम खा रहे, पिताजी का कसम खा रहे, विद्या कसम खा रहे, सरस्वती माँ का कसम खा रहे, आंसर सी होगा। आप लोग एग्जाम में जो भी चला है ये मान गया चुपचाप से बैठा है, अरे मेरा तो गलत हो गया। नहीं, हमेशा भीड़ सही नहीं होता है बेटे, भीड़ सही हमेशा नहीं होता है। पढ़ाई उस बच्चे ने अच्छा से किया इसलिए अलग ट्रेन पर वो बैठ के आ रहा था और देख रहा था आप लोग का तमाशा, कसम पर कसम, चैलेंज पर चैलेंज, बाजी पर बाजी लग रहा था। लेकिन इस क्वेश्चन का जो आंसर सी ना होकर के आंसर डी, क्यों? उसने वैलेंसी फैक्टर बहुत अच्छा से पढ़ के गया। ठीक है, इसका टू है आंसर है। ठीक है, इसको नोट करो। अब जो है 6, 7 और 8 नंबर प्रॉब्लम है। अब जो है ये भी MCQ है। अब यहां पे निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ 0.2 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन कंटेनिंग 20 मिलीमोल्स ऑफ सॉल्यूट। H2SO4 का कितना लिया जा रहा है 20 मिलीमोल्स लिया जा रहा है तो इसका वॉल्यूम निकालना है। हमारे पास फॉर्मूला जो है यही है, तो मिलीमोल्स कैसे निकाल सकते हैं? इसका मोलरिटी है, मोल निकालना है, वॉल्यूम है। सीधा उधर मोलरिटी का फॉर्मूला याद करो। मोलरिटी जो है क्वेश्चन नंबर 6 के लिए, मोलरिटी जो है क्या हो जाएगा एनवी नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट इज इक्वल इनटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन मिलीलीटर। ये वॉल्यूम निकालता है, इसी को जो मिलीलीटर हो जाएगा, 1 मिलीलीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, वॉल्यूम इन मिलीलीटर निकालना है, एनवी क्रॉस 1000 डिवाइडेड बाय मोलैरिटी। अब देखो यहां पे मोल कितना दिया है 20 मिलीमोल, 20 लिख दिए, मिली इक्वल टू क्या होता है 1 मिली इक्वल टू हाउ मच, जल्दी से बोलो 1/1000 और 1/1000 इक्वल टू क्या होगा 10^-3। चलो इसको हम लोग 10^-3 क्रॉस 1000 डिवाइडेड बाय मोलरिटी, मोलरिटी कितना दिया है 0.2। दिस और दिस क्या हो जाएगा कैंसिल हो गया। अब यहां पर क्या हो जाएगा पॉइंट है 1/2/10 हो जाएगा, 10 ऊपर चला गया, 200 / 2 इज इक्वल टू हाउ मच 100 cm³ और 100 मिलीलीटर। आंसर हमारा क्या है बी। ठीक, नोट कर लो पॉज करके, यही देखना है मोलरिटी, जहां मोलरिटी कहीं नॉर्मलिटी नहीं लिखा है, मोलरिटी का फॉर्मूला हम लोग जो याद किए हुए हैं मोलर सॉल्यूशन और मोलरिटी में वहां से हम लोग ले आए, मोलरिटी का फॉर्मूला जो लिखा हुआ भी है, चलो अलग से लिखना नहीं है, ये लिख दिए। प्रॉब्लम नंबर 2 मतलब 7 नोट कर लिए, चलो 7 कम से कम बनाओ, अपने से पॉज करो, नोट करो, बनाओ। क्या है जल्दी से, नॉर्मलिटी निकालना है 10% H2SO4 सॉल्यूशन का डेंसिटी ये दिया हुआ। ठीक है, चलो 1, 2, 3 बोर्ड पर आंसर देखो, नॉर्मलिटी निकालना है तो नॉर्मलिटी निकालने के लिए माइंडसेट है हमारा मॉलरिटी और वैलेंसी फैक्टर। ठीक है,
तो मोलरिटी का जो हम फॉर्मूला पढ़े हैं क्या जाएगा, मोल को तोड़ोगे तो वेट ऑफ बी मोलर मास ऑफ बी क्रॉस 1000 डेंसिटी है इसके अंदर में। जो डेंसिटी वाला फॉर्मूला है v इक्वल टू हम लोग क्या पढ़े थे, डेंसिटी इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय क्या जाएगा वॉल्यूम, और वॉल्यूम इक्वल टू हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय ये क्या जाएगा डेंसिटी। ये फॉर्मूला लिखोगे यहां पर हम लोग पुट कर दे वॉल्यूम की जगह पर तो क्या हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूशन क्रॉस डेंसिटी मोलरिटी निकल गया। अब हमारे पास जो ये दिया हुआ 10% H2SO4 तो 10% H2SO4 को हम लोग क्या बोले थे 10% H2SO4 ठीक है 10% है 10/100 इसको क्या बोलेंगे 10 ग्राम H2SO4 और ये क्या हो जाएगा जो डिनोमिनेटर में है ये सॉल्यूशन है पढ़ा हुआ हम लोग का 100 ग्राम सॉल्यूशन वैल्यू पुट करके सूट करो सारा तुम्हारे सामने है खेल मोलरिटी निकलेगा वैल्यू पुट करो कितना हो गया 10 ग्राम हो गया। मोलर मास H2SO4 का क्या पढ़ेंगे हम लोग मोलर मास H2SO4 का मोलर मास कितना होगा सबका एटॉमिक मास जोड़ दो 98 यहां पर लिख दिए ठीक है यहां पे 98 हो गया। अब जो है यहां पे क्रॉस 1000 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन वेट कितना दिया है यहां पे जल्दी देखो वेट कितना दिया है 100 हो गया और ये क्या हो जाएगा आपका डेंसिटी 1.1 पुट कर दिए। अब यहां पे क्या हो जाएगा ये कट गया ये कितना हो गया आपका मल्टीप्लाई कर दो 110 डिवाइडेड बाई 98 से मोलरिटी में डिवाइड 98 से 110 में डिवाइड करो आपका आ जाएगा 1.12। अब जब मोलरिटी निकल गया तो हम लोग का क्या निकलना है नॉर्मिलिटी मांग रहा है तो नॉर्मिलिटी इक्वल टू हम लोग पुट करेंगे मोलरिटी क्रॉस वैलेंसी फैक्टर और नॉर्मिलिटी है 1.12 और H2SO4 दिया है ना H2SO4 का बैलेंसी फैक्टर कितना होता है 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा 2.24 है कहीं आंसर इसका क्या हो गया डी। तो ऐसा नहीं कि मोलरिटी हम पढ़े उसको छोड़ दिए इसीलिए हम सारे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को सीरीज में बांट दिए हैं। अभी भी समय है स्टेप बाय स्टेप देखो सीरीज बाय सीरीज देखो पाउज करके नोट करो 2-3 बार करके समझो है ना हर सब्जेक्ट के लिए 2-2 घंटा आप निकालिए सोने से टिकटॉक चलाने से काम नहीं बनने वाला है नहीं तो पता चला 12th का एग्जाम हुआ तुम रोड पे चल रहे हो और तुम खुद एक टिकटॉक जो है बन के घूम रहे हो क्या कहेंगे आपके रिलेटिव्स आपके नेबरहुड सब क्या बोलेंगे कि दिन भर ये किताब कॉपी लेके बड़े बड़े स्कूल में जा रहा है कोचिंग में जा रहा है और रिजल्ट आपका क्या रहा है 0/0। तो क्या हम लोग बोलेंगे कहना थोड़ा थोड़ा पढ़ो लेकिन पढ़ो बेटा जरूर पढ़ाई से ही तुम्हारा डिजिग्नेशन बनने वाला है ठीक। अब जो इसको नोट कर लो क्वेश्चन नंबर 7 है अब जो इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर देखो बनाओ अब देखिए गर्मी देखो सभी के लिए हम क्या कर रहे हैं गर्मी में भी आपको बता रहे हैं हम ही चाहते तो भाई आराम से रहते फैन ऑफ है पसीने से देख लो सारा भीगा हुआ है किसके लिए आप लोग के लिए लगे हैं कि बच्चे जो है अच्छा स्कोर करें कहीं भी आप रहे हिंदुस्तान के किसी कोने में रहे आप इसको सब्सक्राइब कीजिए हर टॉपिक जो है आपके पास मेरा वीडियो पहुंचता रहेगा शेयर करो लाइक करो सब्सक्राइब करो यही हमारा एनर्जी लेवल है इस गर्मी में भी पसीने में भी जो है हम आपके लिए जो है एनर्जी से लेवरेज है ना। चलिए इसको नोट देखते हैं कहता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोक्साइडन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि
बेरियम हाइड्रोक्साइड में OH आयन का कितना मोल है ये मांग रहा है। तो सबसे पहले ये मोलरिटी कहीं भी नॉर्मलिटी नहीं है, तो हम मोलरिटी का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो मोलरिटी निकाल रहे हैं किसका? बेरियम हाइड्रोक्साइड का। ये जो मोलरिटी है बेरियम हाइड्रोक्साइड का, ध्यान से देखना बेटा, ये प्रॉब्लम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब जो है क्या होगा, क्या पढ़े, मोल ऑफ सोल्यूट क्रॉस 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम मिलीलीटर में, ठीक है। अब यहां से नंबर ऑफ मोल्स निकालो, तो मोल जो निकल रहा है किसका निकल रहा है, बेरियम सल्फेट का, ठीक है, बेरियम सल्फेट का ये मोल निकल रहा है। बी बी आपके लिए क्या है, बी ए ओएच का होल टू बेरियम हाइड्रोक्साइड का, क्या हो जाएगा, मोलरिटी क्रॉस वॉल्यूम, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, मोलरिटी क्रॉस वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 1000, क्लियर है। अच्छा, मोलरिटी दिया है क्वेश्चन में, देखो एमसीक्यू के लिए जो है बहुत बड़ा बड़ा न्यूमेरिकल नहीं, फाउंडेशन वाला न्यूमेरिकल ही आता है, और वॉल्यूम है, वॉल्यूम कितना दिया है 3 लीटर, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाय 1000, यही आपका मोल निकल गया। इसको हम लोग क्या करेंगे, 1000 है 3 है ना, हाँ, इसको 2 से कट कर दिए। अब जो है यहां पे क्या हो जाएगा, 3 क्रॉस 0.0005, क्या हो जाएगा यहां पे, 3 क्रॉस 5 क्रॉस 10 टू द पावर माइनस 4, यानी क्या हो गया, 15 क्रॉस 10 टू द पावर माइनस 4 मोल निकला। किसका निकला, बेरियम हाइड्रोक्साइड का मोल निकला। अब यहां पे देखो करना है क्या, हमें हाइड्रोक्साइड चाहिए, तो थोड़ा सा हम यूनिटरी मेथड का यूज करेंगे। बेरियम हाइड्रोक्साइड में आगे बोलेंगे कि सिंस बेरियम हाइड्रोक्साइड आयोनाइज करेगा तो हाउ मच ओएच आयंस, 2, क्या लिखेंगे, Ba+2, ये पावर इसके ऊपर चला गया, यहां पर 1 इसके ऊपर आ जाएगा, 2 मोल ऑफ ओएच। अब यहां देखो ये क्या कहता है कि यहां पे जब 1 मोल है बेरियम हाइड्रोक्साइड का तो यहां पर ओएच का कितना मोल है, 2 मोल है। अब जब यहां पर कितना है, 15 है क्रॉस 10 टू द पावर माइनस 4 है, तब हम क्या करेंगे, 2 क्रॉस 15 क्रॉस 10 टू द पावर माइनस 4, क्लियर है। देख लो 1 मोल बेरियम में है कितना है, 2 मोल हाइड्रोक्साइड का है, 2 मोल देखो यहां हाइड्रोक्साइड है, 1 मोल बेरियम हाइड्रोक्साइड में 2 मोल ओएच आयन है, लो यहां ओएच आयन डाल दिए, तो यहां से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 30 क्रॉस 10 टू द पावर माइनस 4। अब इसको जो है डेसिमल सिस्टम में ले जाओगे तो क्या जाएगा यहां पर, 0.123 यह जाएगा, ये जो इतना मोल ओएच आयन होगा, यही आपका आंसर है, देखिए सी, ठीक है। होप करते हैं कि आपको सारा समझ में आएगा और अच्छे से इसको स्टेप बाय स्टेप आप इसे नोट कर लो। अब क्या करना है, नोट करने के बाद सब्सक्राइब चैनल को मेरे जरूर करना, ये सब्सक्राइब जो है मेरे लिए एनर्जी का बेटा काम अच्छा करे, आपका कोई लाइफ में डेजिग्नेशन हो, ठीक है, गुड लक।